एडिशन यूजिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में सबसे पहले तो है कि आप डाटा को इनिशियलाइज कर दो मेमोरी लोकेशन में। हमने यहाँ मेमोरी लोकेशन डिफाइन की है 8500 मेमोरी लोकेशन जो है डिफाइन की है। इसमें फर्स्ट डाटा 45, 8501 पे 23, इस तरह से हमने 8503 तक ये डाटा हमने प्लेस कर दिया है। तो 16 बिट फर्स्ट बाइट ऑफ 16 बिट ये होगी और सेकंड बाइट ऑफ 16 बिट ये होगी। तो इस तरह से हम 16 बिट और 16 बिट को एडिशन परफॉर्म करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि जब आप एडिशन परफॉर्म कर रहे थे तो किस तरह से एडिशन परफॉर्म होगी। तो यहाँ पे 8501 मेमोरी लोकेशन जो है आपका डाटा 23 आपका ये 8501 पे है, 8500 पे 45 है। मगर जब आपने एडिशन परफॉर्म करनी है जैसे 2345 और 1234 की आपने एडिशन परफॉर्म करनी है तो सबसे पहले हमें 45 और 34 की एडिशन परफॉर्म करनी पड़ेगी इन दो नंबर्स की। तो जब आप इन दो नंबर्स को ऐड करोगे तो वो रिज़ल्ट आपने स्टोर करना है किसी मेमोरी लोकेशन पे, जो भी आपका मेमोरी लोकेशन है। जैसे रिज़ल्ट आया 79 तो ये मेमोरी लोकेशन जो है, ये रिज़ल्ट जो भी आएगा ये स्टोर करना है आपने 8504 पे। और दूसरा जो नंबर है आपका, दूसरा नंबर है आपका 23 और 12 जो नंबर है ये 23 और 12 ये दो नंबर्स हैं। इन दोनों की आपने एडिशन परफॉर्म करनी है और जो रिज़ल्ट होगा उस रिज़ल्ट को आपने स्टोर करना है 8505 पे स्टोर करना है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि आपने ये जो एड्रेस है 8500 इसको आपने इनिशियलाइज करना है बीसी रजिस्टर पेयर से। तो हम लोड कर लेंगे डाटा को बीसी पेयर से अकुमुलेटर में, अकुमुलेटर से हम डी रजिस्टर में डाटा को प्लेस कर लेंगे। फिर दोबारा से वही प्रोसेस फॉलो होगा, बीसी को इनिशियलाइज करो आप 8502। क्यों हम यहाँ पे 8502 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड वाली जो ये एरो है, यहाँ पे जो सेकंड डाटा है 34 ये हमने एडिशन परफॉर्म करनी है। तो 34 कहाँ पे है, 8502 पे है, इसीलिए हमने इनिशियलाइज किया बीसी को 8502 से। अब आपने बीसी का जो डाटा है वो लोड करवाना है अकुमुलेटर में। तो एक डाटा आपका आ गया डी रजिस्टर में, दूसरा डाटा आ गया आपका किस में, अकुमुलेटर में, ठीक है। उसके बाद आपने एडिशन परफॉर्म करनी है, तो एडिशन परफॉर्म करनी है तो रिज़ल्ट आपका अकुमुलेटर में आएगा और अकुमुलेटर का जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हमने कहाँ स्टोर करना है, 8504 पे हम इस डाटा को स्टोर कर देंगे। जो फर्स्ट रिज़ल्ट होगा लोअर बाइट का वो हम स्टोर कर देंगे 8504 पे। तो यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन में वैल्यूज़ दी हैं वो लोअर और हायर बाइट में आपने स्टोर की हुई हैं। तो जो लोअर बाइट है पहले हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो लोअर बाइट जो है आपका पहले है 45 और 34, ये लोअर बाइट है। तो पहले इन दोनों 34 और 45 इन दोनों लोअर बाइट्स को हम ऐड कर रहे हैं, लोअर और हायर, ठीक है। तो जो भी बाइट है लोअर और हायर उनको फर्स्ट हम इन दो बाइट्स को ऐड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फेज में हम इनिशियलाइज करेंगे किससे, 8501 से इनिशियलाइज करेंगे बीसी को, फिर लोड कर लेंगे अकुमुलेटर में बीसी का जो भी डाटा होगा 34। उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे डी रजिस्टर में। तो डी रजिस्टर में आप 23 प्लेस कर लो और डी रजिस्टर में आपका प्लेस हो जाएगा 23, 8501 से जब लोड करोगे तो 23 आपका डी में प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट फेज में हमने फिर से इनिशियलाइज करना है बीसी पेयर को 850, जो भी आपका नेक्स्ट डाटा होगा ब्लैक एरो में जो 12 डाटा है 8503 पे है, तो उससे इनिशियलाइज करना है नेक्स्ट फेज में। तो इनिशियलाइज आपने 8503 से करना है, उसके बाद आपने अकुमुलेटर में डाटा को ट्रांसफ़र करना है। और डायरेक्टली यहाँ पे इस केस में जब आप जो भी आपकी ये वाली पोजीशंस हैं इनको जब आप ऐड करते हो, तो अगर मान लो
यहाँ पे रिजल्ट से आपका कैरी जनरेट हो रहा है, तो उस कैरी के साथ आपने इसको एडिशन परफॉर्म करना है। इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे EDC, EDC कमांड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि कैरी भी जनरेट होगा तो कैरी के साथ भी आप रिजल्ट को ऐड करो, तो ये रिजल्ट आपका सेव हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आप सेव करोगे 8505 पे। प्रोग्रामिंग का लॉजिक जो है ये इस तरह से रहेगा। अब मेन आप आ जाते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर, किस तरह से हम इंस्ट्रक्शंस को लिख रहे हैं। तो फर्स्ट है Alexa B8500 हेक्स। बी और सी ये दो रजिस्टर पेयर हैं, बी सी ये एक रजिस्टर पेयर है। बी सी रजिस्टर पेयर को हम लोड करते हैं Alexa इंस्ट्रक्शन से। Alexa होता है लोड इमीडिएट बी सी पेयर विद 8500। यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया हमने बी सी पेयर किससे, 8500 से। अब आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट लोड अकुमुलेटर ऑफ 16 बिट जो भी बी सी के अंदर डाटा है, 8500 मतलब मेमोरी एड्रेस है ये, और डाटा कौन सा होगा बी 8500 में, 8500 में डाटा है 45। तो 45 डाटा कहाँ पे मूव कर जाएगा, अकुमुलेटर में। तो 45 डाटा यहाँ पे कहाँ पे मूव कर गया, ये जो 45 डाटा है ये कहाँ मूव कर गया, अकुमुलेटर में मूव कर गया। ये जो स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स जो हैं हर बार आपके लोड जो आप करवा रहे हो, ये स्टेप्स जो हैं रिपीट होते रहेंगे। अब ये रिपीट क्यों होंगे, क्योंकि आपने जब भी डाटा मतलब 16 बिट में पहले आपने डायरेक्टली डैड इंस्ट्रक्शन यूज़ की थी, तो इस केस में हम डैड नहीं यूज़ कर रहे हैं, ऐड और ADC यूज़ कर रहे हैं। तो ऐड और ADC जब आप यूज़ करोगे तो 8 8 बिट आप डाटा को एडिशन परफॉर्म करोगे, कम्प्लीटली 16 बिट डायरेक्टली एडिशन नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम फर्स्ट इनिशलाइज करेंगे हम बी सी पी आर को 8500 से। नेक्स्ट फेज में हमारा जो दूसरा डाटा है, जो रेड वाला एरो है, दूसरा डाटा किस पे है, 8502 पे। इसलिए हमने नेक्स्ट टाइम बी सी पी आर को किससे इनिशलाइज किया, 8502 से। तो जो बी सी पेयर है 8502, ये मेमोरी लोकेशन से इनिशियलाइज हो गया। अब इस मेमोरी लोकेशन पे कौन सी वैल्यू प्लेस है, 8502 पे कौन सी वैल्यू प्लेस है, 34 वैल्यू प्लेस है। तो ये जो 34 वैल्यू है ये अकुमुलेटर में ट्रांसफ़र होगी। अब दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक आपका जो है डी रजिस्टर में आपकी वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू आपके पास किस में है, ए रजिस्टर में वैल्यू है। तो डी रजिस्टर में वैल्यू आ गई आपके पास 45, और ए रजिस्टर में वैल्यू आ गई आपकी 34। अब इन दोनों की आपने परफॉर्म करनी है एडिशन। तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं ऐड डी। तो ए और डी जो है यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो रही है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इनका रिजल्ट क्या होगा, 5 प्लस 4 9 और 4 प्लस 3 7। तो ये 79 रिजल्ट आपका किस में स्टोर होगा, अकुमुलेटर में स्टोर होगा। तो 79 रिजल्ट आपका अकुमुलेटर में, फर्स्ट जो ये बाइट्स हैं इन दो बाइट्स का, इनका रिजल्ट जो 79 है वो आपका अकुमुलेटर में आएगा। अब इसको आपने स्टोर करना है किसी मेमोरी लोकेशन पे। तो जैसे ये 8504 जो है 79 यहाँ पे स्टोर है, तो 79 को आपने 8504 पे स्टोर करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं STA। S का मतलब होता है स्टोर, T का मतलब होता है ST, ST का मतलब होता है स्टोर और A का मतलब होता है अकुमुलेटर। तो अकुमुलेटर को कहाँ स्टोर करें, 8504, 8504 पे हमने 79 को स्टोर कर दिया। नेक्स्ट दोबारा से हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। अभी हमने नेक्स्ट बाइट को उठाना है, तो बी को हमने इनिशियलाइज कर लिया 8501। जो ब्लैक एरो है, ब्लैक एरो आपका किस पे शो हो रहा है, 8501 23। तो 23 जो एड्रेस है 8501 का, वो बी सी में इनिशलाइज हो गया। अब आप इसको कर रहे हो लोड अकुमुलेटर ऑफ 16 बिट एड्रेस ऑफ बी सी। तो बी सी एड्रेस क्या है, 8501, 8501 पे क्या है, 23। तो 23 जो है आपका, ये 23 डाटा जो है ये डाटा आपका अकुमुलेटर में ट्रांसफ़र हो गया। तो आपके जो भी वैल्यू है अकुमुलेटर में वो क्या हो गया, 23 वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट फेज में
आप ये वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहे हो डी रजिस्टर में, क्योंकि आपने इसके बाद दूसरी वैल्यू भी उठानी है, जो ब्लैक एरो है नेक्स्ट, जो ब्लैक एरो है इसमें नेक्स्ट वैल्यू है 12। तो एक वैल्यू तो आपने यहाँ पे प्लेस कर दी है डी में, और एक वैल्यू आपकी रहेगी अकोमुलेटर में, उन दोनों की एडिशन आप परफॉर्म करोगे। तो इस वैल्यू को आपने कहाँ प्लेस करना है, डी में प्लेस करना है। तो इसीलिए अकोमुलेटर की वैल्यू आपने डी में डाल दी, तो डी में आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, फर्स्ट वैल्यू 23 वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब दोबारा से आपने एलेक्साई इनिशलाइज कर दिया, कौन से एड्रेस से, 8503। तो आप किस पॉइंट पे आ गए, 8503 पॉइंट पे आ गए। यहाँ पे आपने वैल्यू जो है 12 वैल्यू है, तो ये जो 12 वैल्यू है ये लोड करवा दिया आपने अकुमुलेटर में, और अकुमुलेटर में आपकी वैल्यू अभी इस केस में क्या हो गई है, 12। अब आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो एडीसी डी। एडीसी का मतलब होता है एड विद कैरी, एड विद कैरी। इस प्रोग्राम में तो हम कैरी जनरेट नहीं हो रहा है। मान लो यहाँ पे अगर वैल्यूज एक्सीड कर जाती हैं, ए बी सी डी में हमारा रिजल्ट, अगर एफ एफ यहाँ पे रिजल्ट आ गया, एफ एफ से अबव वैल्यू आ गई, तो हमारा रिजल्ट एक्सीड कर जाएगा, मतलब D3 बिट से नेक्स्ट बिट में कैरी जनरेट हो जाएगा। तो कैरी अगर अफेक्ट हो जाएगा, अगर एफ एफ से अबव वैल्यूज आ गई, तो फिर क्या होगा। तो आपको अगर डायरेक्टली ऐड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज़ करोगे तो रिजल्ट आपका रॉन्ग आएगा। इसलिए हमने क्या किया है, एडीसी यूज़ किया, ऐड विद कैरी। तो कैरी के साथ आपने डी को ऐड करना है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस डी प्लस कैरी भी आएगा इसके साथ। तो अगर कैरी अफेक्टेड होगा, 01 होगा, तो 01 प्लस डी में वैल्यू है 23 प्लस 12 इक्वल टू जो भी रिजल्ट होगा। तो ये इस केस में हमारा रिजल्ट आ रहा है 34। इसको स्टोर करना है 8505 पे। 8505 पे आपने 35 स्टोर कर दिया। लास्ट इंस्ट्रक्शन आप यूज़ कर रहे हो RST5, जिसका मतलब होता है टर्मिनेट द प्रोग्राम और क्लोज द प्रोग्राम।